बहुत बड़ी खबर देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी काफी अंतर से पीछे चल रही है, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। और इसी खुशी में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया कि किशोरी भैया मुझे कभी भी आपके ऊपर संदेह नहीं था। जब ये सवाल पूछा गया कि किशोरी लाल शर्मा ही भाई क्यों यहाँ से उतारे जा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी देखिए पूरी मेहनत भी अमेठी में करती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि किशोरी लाल आज से हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, बरसों बीत गए हमारे परिवार से इन्हें जुड़े हुए। और इन्होंने अमेठी के चप्पे चप्पे को छाना है, कि गली से वाकिफ है। और देखिए कम से कम ये जो दावा प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया था, किशोरी लाल शर्मा उस दावे में खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ स्मृति ईरानी अपने आप में बहुत बड़ा नाम, राहुल गांधी को उन्होंने हराया था और उसके बाद जो उनका कद है वो बहुत ज्यादा पार्टी में बड़ा हो गया था। स्मृति ईरानी इस वक्त पीछे चल रही है, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा डेंट है मुझे लगता है स्मृति ईरानी के लिए। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने अपना घर तक बना लिया ताकि वो लोगों की समस्याएं सुन सके। आपने उनकी बातें प्रिया कई बार सुनी होगी कि वो कहती थी, बड़ा ताल ठोक के कहती थी कि देखिए अब तो मेरा घर भी बन गया है गौरीगंज में, जिसकी हिम्मत है मुझे हटाकर दिखाए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने तो एक नारा दिया था कि डरो मत भागो मत, तो ऐसे में ये डेंट उनके ऊपर बहुत बड़ा है। आप सही कह रही थी, किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें वहां से हरा दिया है, तो ये देखिए बहुत बड़ा डेंट है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, जबकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे केएल शर्मा ही काफी है अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने के लिए, और जिस तरीके से जीत का जो दंभ है वो भर रही थी या ताज उनके सर पर सजा हुआ था, ऐसे में इतने बड़े मार्जिन से पीछे जाना बेहद बुरी खबर उनके लिए है। और दो सीटों पर राहुल गांधी की बात करें, चाहे रायबरेली की या वायनाड की, दोनों सीटों पर राहुल गांधी बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्मृति ईरानी को हराने के बाद केएल शर्मा का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम देखिए पहले से ही है, लेकिन और बड़ा नाम हो जा रहा है। और ऐसे में प्रियंका गांधी का उन पर ये तंज कसना भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहा है।